अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। छोटी छोटी आवाज़ें आ रही हैं ना, या कढ़ाई गीली थी उसमें मैंने आयल डाल के पका लिया, तो वो छोड़ 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 आयल डाला मैंने 2 बड़े चम्मच लोंगे वाले जो होते हैं, या अमूमन हमने ऑयल वाले में रखे होते हैं, वो भर के उसमें 1 टीस्पून डाला ज़ीरा और 1 टीस्पून डाला नमक और 1 दालचीनी का टुकड़ा लेके उसे मज़ीद छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, उसे करूँगी ब्राउन। और ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ, मैं पकाने लगी हूँ फलियाँ और चिकन। 1/2 किलो चिकन है और 1 पाव निकले हुए दाने हैं इसके, फलियों के, जो सारी फलियाँ होती हैं उनके। और साथ साथ आप देखते जाए मैं साथ साथ क्या ऐड करती जा रही हूँ, करती जाऊँगी, क्योंकि आज मैं अलग से सारा कुछ नहीं रखा, मैंने साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। और मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज, ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का कि ये अपना कलर चेंज करें, फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर लें। उतनी देर में लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ। ये काटे हैं मैंने टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये है सब्ज़ मिर्चें। अब ये उसमें हम बारी बारी ऐड करेंगे। प्याज होने लग गए हैं ब्राउन, में इसमें डालूंगी पानी का छींटा बड़ी जोर का। ये इसमें कैमरे में डार्क नज़र आ रहे हैं, इतने डार्क हैं नहीं। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डाल दिया, अब इसको हल्का सा जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। ये हैं हमारे टमाटर, ये सब्ज़ मिर्चें। अब ये इनको हल्का सा हम भूनेंगे और इसके बाद इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये मसाला भून रहा है तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरा हुआ जो है वो डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। साथ में देंगे बिल्कुल हल्का सा पानी का छींटा ताकि मिर्चें जले ना, जलेंगी तो फिर पूरा घर खांसता फिरेगा। साथ में हम कर देंगे अपना चिकन भी ऐड और इसकी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से भुनाई। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर फलियां ऐड करके हम इसे दम पे रख देंगे। और ये भुनाई करते हुए मैं इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड करूँगी, 2 बड़े चम्मच भर भर के, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि टमाटर भी डाले हैं। आप खाली दही भी डाल सकते हैं, खाली टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फलियाँ और कचनार और कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं उनमें दही डाला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत आसान सी रेसिपी है और आजकल फलियों का मौसम भी है, बनाएं ज़रूर एक दफ़ा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। एक अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम थोड़ी सी देर इंतज़ार करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और फिर इसमें ऐड करके फलियां इसकी भुनाई करेंगे। ये अब इसमें फलियां मैं ऐड करके ना इसे दम पे रख देती हूँ ताकि गल भी जाए और पानी भी खुश्क हो जाए और हम फिर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर सकें। इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स करें ताकि एक दूसरे से नाराज़ ना रहें, मिक्स हो जाएं। इनको मिक्स करने के बाद मैं इनके ऊपर ढक्कन लगा के इसे हल्के दम पे रख दूंगी, हल्की आंच पे। ये पानी हो गया खुश्क, अब करेंगे हम इसकी अच्छी सी भुनाई।
की बुनाई करके एंड में मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो क्या करूँगी वो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, फिर आपको पता चलेगा क्या इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी। इसकी पूरी बुनाई करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये हो गई है बहुत अच्छे तरीके से बुनाई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल हाफ टी स्पून ये मसाला जो मैंने ईद पे बनाया था और आपको इसकी रेसिपी दिखाई थी, हाफ टी स्पून ये इसमें डाल के मिक्स करके ऊपर से दे देंगे हम ढक्कन ताकि मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर रच बस जाए। अब हम इसे करेंगे डिश आउट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारा सैलन बिल्कुल रेडी है, बहुत जल्दी और बहुत मज़े का बना है। एक बार वीडियो को ट्राई ज़रूर कीजिए, रेसिपी बहुत आसान है, जल्दी बनने वाली है, सीजनल है, खाएं एंजॉय करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।